हे गाइस, इसमें शुभम बैक विद अनदर वीडियो। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो कि आपको बारिश में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि आजकल बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है बहुत रीजन्स में, और उसी बारिश में आपको ड्राइविंग करनी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है किसी किसी के लिए, जो नए ड्राइवर्स होते हैं या जिसको बारिश में चलाने में प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि विंडस्क्रीन में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है और वाइपर कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो मैंने ये जो प्रोडक्ट है रेनएक्स मैंने मंगवाया है, क्योंकि जो मेरा ब्रदर है वो बारिश में अच्छे से चला नहीं पाता है, और बारिश में आपको इसकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती। इसका जो काम है वो विंडशील्ड पे पानी रोकेगा नहीं, वाटर रिपेलेंट बन जाता है पूरा सरफेस। तो ये मैंने मंगवाया है अमेज़ॉन से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कार केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसका वीडियो आई बटन मिल जाएगा और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए इसको टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं किस तरह से काम करता है। सो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं इसको लगाना कैसे है, इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़ पढ़ लेते हैं। क्लीन एंड थ्रूली ड्राई सरफेस बिफोर ट्रीटिंग। सबसे पहले आपको अपना जो विंडस्क्रीन उसको एकदम साफ कर रखना है, बिल्कुल भी इसमें गंदगी ना हो, कोई स्पॉट्स ना हो, इतना अच्छा साफ करना है। अप्लाइंग टेम्परेचर्स अब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का टेम्परेचर हो तब लगाएं। अप्लाई रेनएक्स टू अ स्मॉल फोल्डेड ड्राई क्लॉथ एंड वाइप ऑन टू एक्सटीरियर ग्लास यूजिंग अ फर्म सर्कुलर एंड ओवरलैपिंग मोशन। अलाउ टू ड्राई एंटिल स्लाइट हेज अपीयर्स। तब तक उसको सूखने जब तक एक हिस्सा आ जाता है तब तक उसको लगा रहने दें। और रिमूव हेज विद ड्राई क्लॉथ और बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एंड वाइपिंग इट विथ पेपर टावल एंटिल क्रिस्टल क्लियर। चलिए फिर इसको लगाते हैं। तो अभी जो मेरी गाड़ी की विंडस्क्रीन है बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी है, क्योंकि अभी बारिश में कंटिन्यू चल रही है और ज़्यादा साफ़ भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इस विंडस्क्रीन को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं वॉश करूँगा अपनी विंडशील्ड को 3M का कार वॉश शैम्पू से, जो ऑटो लेस्टर का कार्बन डायमंड शाइन है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इससे मैं अपनी पूरी गाड़ी धोता हूँ आजकल। और 3M का जो शैम्पू है उससे मैं अभी अपनी विंडस्क्रीन साफ़ करने जा रहा हूँ। तो मैंने मग्गे में पानी ले रखा है, इसको मैं डालूँगा पहले विंडस्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो पानी का फ्लो है किस तरह से, उसके बाद जब आप देखेंगे मैं हाफ स्क्रीन में करूँगा और तब आपको पता चल जाएगा इसका इफ़ेक्ट, अभी किस तरह से पानी नीचे जा रहा है उसके बाद किस तरह से पानी नीचे जाएगा। अब विंडस्क्रीन को अच्छे से पोंछ देते हैं, जिससे कि कोई भी उसमें मार्क्स रह ना जाए। जल्दी पोंछ देने तो सूखने पे कुछ दाग रह जाते हैं, तो पोंछ लेते हैं। सो गाइस, फाइनली आ गई रेनएक्स की बारी, तो इसको लगाना है आपको थोड़ा थोड़ा। अभी मैं आधी स्क्रीन में लगाऊंगा, उसके बाद टेस्ट करूंगा क्या इफ़ेक्ट होता है पानी डाल के। तो अभी थोड़ा थोड़ा इसको लगाऊंगा हर जगह पे, जिससे कि आपको इसका डिफरेंस पता पड़ पाए। तो पहले शेक कर लेते हैं। तो ऊपर से लगाना स्टार्ट करते हैं इस जगह से, तो थोड़े थोड़े पोर्शन में लगाना है, ज़्यादा लंबा इसको खींचना नहीं है, जितना आप स्लोली स्लोली लगाएंगे उतने ज़्यादा अच्छे से लगेगा। तो
और ज़्यादातर सर्कुलर मोशन पे लगाइए तो ज़्यादा अच्छे से कवर होगा। इसमें फाइनली हेज आ गया है, तो चलिए इसका हेज हटाते हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ओहो, अभी से इतना स्मूथ लग रहा है, तो काफ़ी इजीली इसका हेज जो है वो हट रहा है और काफ़ी स्मूथ ये अभी लग रहा है। पानी डालेंगे तब देखते हैं टेस्ट फेल हुआ है पास। कपड़ा थोड़ा सा उधर जा रहा है तो फील हो रहा है कि उधर रेजिस्टेंस है, इधर काफ़ी स्मूथ है, बहुत स्मूथ हो गया ग्लास। विंड स्क्रीन काफ़ी अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, तो जो उस साइड में थोड़ा सा और क्लीन करूँगा, क्योंकि बहुत दिन से अच्छे से क्लीन नहीं की थी विंड स्क्रीन, जिसके वजह से हार्ड वाटर मार्क आ गए हैं इसमें। ये एकदम प्योर नया माइक्रोफाइबर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी विंडशील्ड के लिए, और मैं खाली इसको विंडशील्ड के लिए ही यूज़ करूँगा। तो चलिए अब पानी डाल के देख लेते हैं, पूरा आधा मग पानी है, तो चलिए इसको डाल के देखते हैं। 3, 2, 1। जैसे कि आप देख रहे हैं उधर बिल्कुल भी पानी नहीं रुका है, वाटर बीडिंग इफेक्ट आ गया है, और इधर आप देख सकते हैं कि इधर पानी अभी भी विंडस्क्रीन में पूरा चिपक चुका है और इधर से पूरा पानी हट चुका है। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, तो बारिश में काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर तेज़ भी चलाएंगे तो इसकी जो बीटसिंग आपको दिख रही है वो पूरी उड़ जाएगी। इसमें अभी भी पानी है, उधर बिल्कुल भी पानी नहीं है। एक बार फिर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, बिल्कुल भी उधर पानी नहीं रुक रहा, और इधर आप देख सकते हैं कितना पूरा पानी इधर रुका हुआ है, बहुत ही स्लोली पानी नीचे जा रहा है, उधर पानी ख़त्म हो चुका है। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। सो गाइस, ये करते करते पानी भी बरसने लगा, और जैसे कि आप देख रहे हैं आपके पास लाइव प्रूफ भी है, पानी जैसे ही गिर रहा है वो सीधे सीधे नीचे जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये काम कर रहा है, जिनको ड्राइविंग में दिक्कत होती है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिनको नहीं भी दिक्कत होती वो लगाएंगे तो उनको और भी अच्छे से चलाने को मिलेगा बारिश में। तो बारिश तो काफ़ी तेज हो रही है, तो चलिए वाइपर भी चला के देख लेते हैं एक बार क्या इफेक्ट होता है वाइपर का। गाड़ी कर लिया हूँ और हमने खाली वाइपर चलाएंगे, बिल्कुल भी पानी नहीं रुकता, बिल्कुल मतलब देख सकते हैं आप, बिल्कुल पानी नहीं रुकता, और जब गाड़ी चलेगी तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि इस पे बूंदें गिर भी रही हैं। देखिए विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट है, और अगर आप इधर देखें, इधर नहीं लगा हुआ है, तो देखिए इस तरह से हो जाता है। वाइपर किया गायब, सो गाइस जैसे कि आपने देखा प्रोडक्ट कितना अच्छा काम कर रहा है, और आप इस प्रोडक्ट को सारे ही ग्लास एरिया में आप लगा सकते हैं। अगर आप खाली फ्रंट के विंडशील्ड में लगाएंगे तो यह बॉटल आपको 7 से 8 बार चल जाएगी, अगर आप 2 कोट लगाएंगे या 3 कोट लगाएंगे तो 7 से 8 बार चल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अगर आप पूरे ही ग्लास एरिया में लगाएंगे तो 4 से 5 बार चलेगी, अगर आप 2 से 3 लेयर लगाएंगे, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपके तरफ ज़्यादा बारिश होती हो तो 3 लेयर लगाइए, अगर ज़्यादा बारिश नहीं होती हो तो 2 लेयर लगाइए। और अगर आपको इसका एंटी फॉग चाहिए, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको चेक कर लीजिएगा। एंटी फॉग बेसिकली आपका जो इंटीरियर ग्लास में जो फॉग हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, वो दूर कर देगा। सो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक, पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। ऑलवेज ड्राइव सेफ, वी आर यू सीट विल बी योर हेलमेट इफ यू राइडिंग बाइक। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।